अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अच्छे जी, बच्चे एज़ यूजुअल स्कूल जा चुके हैं, मेरी सारी बहनें काम के साथ लगी होंगी। मैंने भी अभी काम खत्म किया और सहन में लग चुकी है धूप, मुर्गियों के आगे दाना डाला है क्योंकि बच्चे आज नहीं डाल के गए। इसके अलावा अभी मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट कमीज़ की स्टिचिंग तो बाद में करूँगी, लेकिन कटिंग पहले कर लूँ। ग्रीन वाली जो कमीज़ थी उसका दुपट्टा भी पिको के आ गया है, प्लाजो भी मैंने सी दिया, लेकिन अभी कमीज़ रह गई है, ना कटिंग हुई है ना स्टिचिंग हुई है। तो आप लोगों से एक मशवरा लेना था कि दुपट्टे की इधर उधर मैंने ब्लैक लेस लगवाई है ना पिको करवा के, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि छोटी छोटी ब्लैक लेस कमीज़ में ऐड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ वाइट ही सही है क्योंकि ट्राउज़र वाइट है ना, तो कमीज़ पर ब्लैक बॉर्डर है, ब्लैक बॉर्डर के आगे वाइट वो चौड़ी वाली लेस लगा दूँगी बाजू के आगे उधर, और गला जो है वो मैं सोच रही हूँ वो वाला बनाऊँ पैन गला, और आगे वो प्लेकेट सी जो होती है। आप लोगों ने मशवरा जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। अभी सबसे पहले जाते हैं कमीज की कटिंग करते हैं। दूध ले आई हूँ बिल्ली के लिए, अभी मैं इसके आगे रखूँगी, ये बहुत कमज़ोर हुई है। और आ जाओ शहजादी, कितनी कमज़ोर हुई है ना, ये देखिए इसकी एड़ियाँ निकली हुई हैं सारी। पियो मैं अब पियो, ये वाली ग्रीन कमीज़ जो है कट कर रही थी, फिर इसकी स्टिचिंग इंशाल्लाह करूँगी, लैस यस लगाऊँगी, डिज़ाइन बनाऊँगी और आपको बताऊँगी। उससे पहले मैंने ये स्टिच किया है जोया के लिए पजामा, ये इनके बाबा के पुराने कपड़े पड़े हुए थे, तो शलवार को काट के जोया की शलवार बनाई थी पजामा रात को सोने के लिए, और ये जोया के लिए बनाया है छोटा सा हल्का सा बेल पजामा, ये देखिए। वालेकुम सलाम, आ गए रिक्शे पे ही आए थे जी, ये कितने से मिला? ये पुत्र मिला नहीं, ये आई हुई है, ये सुबह से आई है बेचारी, ये कमज़ोर हुई है ना, ये सुबह से मेरे पीछे पीछे फिर रही है। दूध दे दिए, दूध भी दिया, दूध में टुकड़े भी दिए हैं, वो उधर पड़े हुए हैं। अभी टाइम हो गया 3 का, और ये देखें कितनी तेज़ बारिश लगी हुई है, आजकल बारिशों ने जोर दिया हुआ है, ये देखें। और बिल्ली इधर ही बैठी हुई है, ये देखें, बिल्ली आज नहीं गई इधर से, ये देखें। चला कर रहे अपना काम, स्कूल से वापस आके थोड़ी देर रेस्ट करके ये अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो उर्दू की? शाबाश। और फातिमा सो गई है, आज इनका कोई गला ख़राब है, ज़ियाउल्लाह का भी कोई खांसी लगी हुई है, और साथ में फातिमा का भी गला ख़राब हो गया, अब्दुल्ला का ख़राब था, फातिमा सोई हुई है और जोया को भी काम लग गया। पता नहीं सबको कैसे काम लग गया, पहले अब्दुल्ला को लग गया, उसके बाद शायद मौसम रात को ठंडा था, पंखा लगा हुआ तो उससे सबको लग गया। अभी जोया को मेडिसिन दी है, उसके अलावा अपने गले में भी दर्द है, अभी क्या बनाया है इनके लिए, लौंग इलायची दार चीनी वगैरह डाल के अभी इनको देती हूँ, बच्चों को पिए शायद फिर थोड़ा सा आराम हो, मेडिसिन तो दे रही हूँ इनको। देखिए सूरज ग़ुरूब हो रहा है, शाम हो गई है, एक शाम गुजरती है पता ही नहीं चलता दूसरी शाम आ जाती है, इसी तरह किसी दिन ना हमारी ज़िंदगी की शाम भी डल जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए ये कौन कौन से कंट्री की करेंसी है, ये बताना है किस किस कंट्री के पैसे हैं। ये देखें ये आए कहाँ से हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगी, ये देखें मैं सही करके रखती हूँ ना, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हैं, बताने आप लोगों ने। ठहरो, जोया ने उठा लिया, जोया आप नहीं उठाना पुत्र, ये देखिए। अब बताएंगे आप, कुछ पुराने हो गए और कुछ मेरे ख्याल से अभी भी हैं, ये देखिए। और ये सारे जो पैसे हैं ना, ये आपके भाई ने मुझे दिए, मुझे नहीं पता उनके पास कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, उन्होंने मुझे ये सारे दिए थे, और मुझे बहुत शौक है पुरानी चीज़ें जमा करने का। ये भी ये तो हमारे पाकिस्तान के हैं ना, ठहरा ये वाले 2 रुपये। 4 बजे बच्चे आ गए थे, वो ट्यूशन पढ़ के गए हैं, अब्दुल्ला अभी तक वो देखें बैठा हुआ काम कर रहा है, और ये सारे कपड़े मैंने धोए हैं, अभी मशीन गई है, साथ साथ ड्रायर में ड्राई कर रही हूँ क्योंकि आजकल बारिश हो रही है, आज भी बारिश हुई है आपके सामने,
तो फिर साथ साथ ड्राई कर दी, क्योंकि फातिमा रोज़ ही गंदे कर देती है। इसका दूसरा यूनिफॉर्म अभी नहीं दिया ना, ये मेरा पुत्र अभी जाग के आया। भाई ठीक हुई हो कुछ? हाँ नहीं ठीक हुई। और जोया भी बीमार हो गई है, जोया की पोनी देखे किधर गई हुई है। जोया खुश हो रही है बाहर देख देख के, और साथ साथ तंग भी हो रही है। मेडिसिन इसको दी थी मैंने कहा सो जाए, लेकिन नहीं सोई। और बस यही था आज के व्लॉग। अच्छा इधर मैंने एक ये बात कहनी थी, थंबनेल टाइटल तो खैर मैंने सितारा का नहीं लगाया। आप लोग कह रहे थे शुक्र है सितारा के टॉपिक पे आपने बात करनी छोड़ी है, लेकिन आप लोग मुझे एक बात बताएं, देखें कितना गंद बना हुआ है ना वाईटी पे। लोग कोई और चीज़ देखते ही नहीं है, लोगों का आजकल फोकस जस्ट इस चीज़ पर है कि कौन सितारा के बारे में बात कर रहा है, कौन शर्मा के बारे में बात कर रहा है, कौन नैना के बारे में कर रहा है। हद तक इनकी अपनी फैमिली के अंदर भी एक दूसरे पे तंज, एक दूसरे पे बातें स्टार्ट हैं। तो ये एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि ये ख़त्म होना चाहिए, ये जो इतना ज़्यादा गंद वाईटी पे फैल गया ये ख़त्म होना चाहिए, ताकि लोग अमन से सुकून से व्लॉग्स देखें, खुश हो। और बस तो बाकी बहन को दुआ में याद रखना है, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में, क्योंकि आज व्लॉग बिल्कुल थोड़ा सा बना है। जोया भी बीमार हो गई थी आधे दिन, और मतलब क्या आधा दिन गुजरा था, और सब मेरे अपने गले में दर्द है। तो दुआ में याद रखना है, मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छे से क्यूट से व्लॉग में। अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।